नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 News। SPN 9 News में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां जोरों पर है। 10 सीटों पर 11 उम्मीदवारों के उतरने से मुकाबला बेहद रोचक हो गया। बीजेपी और सपा छोटे दलों को अपने पाले में लाने की भरसक कोशिश कर रही है। इसी बीच सुबह सपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से मुलाकात की है। राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के पास 2 विधायक हैं। इन दोनों विधायकों के वोट काफी अहम है। इससे पहले राजा भैया से यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और यूपी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नरेश उत्तम भी मुलाकात कर चुके हैं। नरेश उत्तम ने तो राजा भैया की बात फोन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी करवाई थी। राजा भैया और ओम प्रकाश राजभर के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के लिए राजभर वोट मांगने गए। दोनों की तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि राजा भैया की तरफ से राजभर को कोई ठेस आश्वासन नहीं मिला है। हालांकि आधिकारिक तौर पर दोनों की तरफ से अभी कुछ भी नहीं कहा गया। बता दें कि यूपी विधानसभा में इस समय 399 विधायक हैं, 4 सीटें खाली हैं। वर्तमान संख्या बल के हिसाब से राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए प्रथम रेता के 37 वोटों की जरूरत पड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक 8वीं राज्यसभा सीट जीतने के लिए भाजपा के पास 10 वोटों की कमी है। विधानसभा में भाजपा के 252 विधायक हैं और इसे NDA के कई सहयोगियों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें अपना दल सोनेलाल 13 विधायक, निषाद पार्टी 6 विधायक, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यहां पर 6 विधायक शामिल हैं। इसके अलावा जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल के 9 विधायक भी बीजेपी को समर्थन यहाँ पर देने के लिए तैयार है। इसी बीच बता दें आपको कि यहाँ पर तीनों उम्मीदवारों को जिताने के लिए सपा को 111 वोट चाहिए। सपा के पास 108 विधायक हैं, इनमें से एक रमाकांत यादव जेल में है। वहीं सपा विधायक पल्लवी पटेल पार्टी से नाराज है। ऐसे में सपा के पास 106 बचेंगे। कांग्रेस के 2 वोट सपा उम्मीदवारों को मिले तो भी सपा के पास 108 ही रहेंगे, यानी 3 वोट कम पड़ेंगे। अगर राजा भैया की पार्टी सपा को सपोर्ट करेगी तो सपा की उम्मीदें यहां पर बढ़ती नजर आएंगी। अब देखना है राजा भैया आखिरकार किसकी कुंडी यहां पर खोलते नजर आते। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहिए SPN 9 News। धन्यवाद।